तो ये है फौलादी जिन का तिलिस्मी गार। जाहिल कवार, इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी, बेमौत मरेगा तू। अरे बेवकूफ मुखबिर, जो पहले ही मर चुका है उसे तू कैसे मारेगा? हाँ क्या ये मर चुका है? मैं तो मर चुका हूँ, मैं भूत हूँ, ये देख। पुलिस में मुखबिर वो देख। आका 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 कृष्ण शैतान डर गया फिर से आ गया। मैं तो भूत हूँ। आका आका मुझे बचाओ, मुझे बचाओ आका। आका मेरे आका फौलादी जिन, मुझे बचाओ जल्दी आका। जल्दी आ मेरे आका, मुझे बचाओ, मुझे बचा मेरे आका। अब तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, तू यूं ही तड़प तड़प के मर जाएगा। चुकाला, अपने तिलिस्म पर तुझे बहुत गुमान है ना? देख देख मैं तेरे तिलिस्म को किस तरह बेअसर करता हूँ। इन्होंने चकाला, इन आदमजादों को तूने हमारी कैद से आजाद करा लिया, वरना ये हमारी तिलस्मी भूल भुलैया से जिंदगी भर ना निकल पाते। चकाला आफत की परकाला, अब तेरे पर मुझे कतरने होंगे, बहुत उड़ने लगी है तू। लेकिन पहले इन आदमजादों को मैं समझ लूं। अरे आदमजादो, अब तुम सब हमारे फौलादी तिलिस्म से नहीं बच सकोगे, अब मैं अपने फौलादी तिलिस्म से तुम सबको लहूलुहान करके मकरातीसी पहाड़ों से हमेशा के लिए चिपका दूंगा। जकाला खबरदार, जो तूने जकाला पर अपना जादू आजमाया, ऐ फौलादी जिन, मैं तुझे मारूंगा तो नहीं मगर तेरा जीना हराम कर दूंगा। अरे मोम के पुतले, तू क्या समझता है कि मैं तेरी हकीकत से वाकिफ नहीं हूँ? रूहों और भूतों से तू आदमजादों को खौफ ज़दा कर सकता है, किसी जिन को नहीं। जा जा, मरे हुए को मारना फौलादी जिन के शान के खिलाफ है। अरे फौलादी जिन, बहुत चालाकी दिखा रहे हो तुम। तुम सिर्फ मौत दे सकते हो, इसलिए सबको मौत से डराते हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो फौलादी जिन कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए बहाना करके मुझसे टकराने से बचना चाहते हो। मोम के पुतले, तू फौलादी जिन से मुकाबला करेगा? तेरे पुतले को तो मैं
अपनी आंखों की गर्मी से पिघलाकर खत्म कर दूंगा। ऐ मकरूर जिन, ये मत भूल कि जो आग मोम को पिघला सकती है वो फलाद को भी पानी बना सकती है। ऐ मोम के हकीर पुतले, आग की बात करता है, देख तेरा मोमी पुतला मेरे गुस्से की आग में धुआं बनकर किस तरह हवा में तहलील हो जाता है। ये क्या कहा आपने, अपने तिलिस्म से अपने ही मुखबिर को जलाकर खत्म कर दिया। तू तन फितने अलादी जिन। है अलादी जिन, इधर पीछे मारना, आजा आजा आजा। अलादी जिन, मेरा गला इधर है। नहीं, चलो होशियार। आफत की परकाला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, नहीं। तू मुझे नहीं छोड़ेगा। पहले अपने आप को छुड़ाने की तदबीर कर। तूने मुझसे दुश्मनी मोल ली है सकाला, तूने अपनी मौत को दावत दी है। ऐ फौलादी जिन, अगर मैं चाहूं तो तुझे तिलिस्मी आग में जलाकर तेरा गुरूर पानी पानी कर सकती हूँ, मगर नहीं। तू देख के तेरी नजरों के सामने हम शाहे मकनातीस का ताज लिए जा रहे हैं। चलो आसिफ, रुक जाओ, रुक जाओ। हमें मत रोक फौलादी जिन, और हम भी तुझे तेरे अंजाम से नहीं रोकेंगे। अब चपले मकनातीसी पर तेरे जुल्म की हुक्मरानी के दिन खत्म हुए। तू जा मकनातीस, हमेशा के लिए जा, और जबले मकनातीसी पहाड़ों से चिपक कर, चिसक चिसक कर अपनी मौत का इंतजार कर। जा, जबले मकनातीसी पहाड़ों की कशिश तुझे अपनी तरफ बुला रही है। जबले मकनातीसी पहाड़ तुझे पकड़ने के लिए, तुझे जकड़ने के लिए बेताब हो रहे हैं। तू जा फौलादी जिन। चलो, शाहे मकनातीस के इस ताज के लिए हमराज हर्फी हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो। शाहे मकनातीस, हमराज हर्फी तेरी खिदमत में हाजिर हैं। जाहिर हो, जल्दी जाहिर हो। हमराज हर्फी, मैं सबकी आंखों से अपने नंगे सर को छुपाता रहता हूँ, तू क्यों मुझे भरे दरबार में बुलाकर बार बार मुझे रुसवा करती है।
शाहे मकनातीस, रोना बंद कर। न ये रोने का वक्त है, न नजरें चुराने का और न ही मुंह छिपाने का। उठ, नजरें उठा और देख कि हम तेरे लिए क्या लाए हैं। मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ अपना ताज चाहिए। शाहे मकनातीस, तूने ये कैसे समझ लिया कि हम तेरे लिए ताज के सिवा कुछ लाए हैं? हम तेरे लिए तेरे सर की जीनत, तेरी इज्जत, तेरा ताज लाए हैं। ताज? कहाँ है मेरा ताज? कहाँ है? कौन है ये लोग? ये आदमजात है, आसिफ, अल-नासर, तूतन फितना। इन्होंने अपनी जान पर खेलकर तेरे ताज को, जिन्हें फौलादी के फौलादी पंजों से छीन लिया है। छीन लिया? मेरे ताज को छीन लिया? आदमजादू, कहाँ है मेरा ताज? लाओ, मुझे दिखाओ, मुझे और न तड़पाओ। कहाँ है मेरा ताज? दोनों कौन है? ये कहकशा है, अल-नासर और आसिफ की साथी, और वो जकाला है। इनकी मददगार, इन सब की कोशिश से ताज दोबारा हासिल हुआ है। कहकशा, ऐ आदमजाद लड़की, मैं शाहे मकनातीस तेरा और तेरे सभी साथियों का शुक्रगुजार और एहसान मंद हूँ। हरफी, ये ताज अपने हाथों से मेरे सर पर रख। नहीं शाहे मकनातीस, इस ताज को शाहे मकनातीस के सर पर रखने का हक उसी को है जिसने ये ताज हासिल किया है। आसिफ, आओ ताज पोशी करो। शाहे मकनातीस, खुशी के इस मौके पर यूं आंसू नहीं बहाया करते। शाहे मकनातीस, आंसुओं के इन मोतियों को यूं न लुटा। खुशी के आंसू रोकने से नहीं रुकते। ऐ आदमजादू, तुमने शाहे मकनातीस पर ही नहीं, जबले मकनातीस की सरजमीन पर भी एक बहुत बड़ा एहसान किया है। इसलिए मैं तुम्हें जबले मकनातीस का एक अहम और लाजवाब तोहफा इनाम में देना चाहता हूं। यह क्या है? यह अक्से मकनातीस है, मकनातीस का एक ऐसा टुकड़ा जिसकी कशिश से बड़ी फौलादी चीजों को भी अपने काबू में किया जा सकता है।
काम में कैसे लाया जा सकता है? जब तक तिलिस्मी अक्से मकनातीस को हुक्म न दो, इसकी कशिश हरकत में नहीं आएगी। हमराज हरफी, मैं इसे हुक्म देके देखूं। ए अक्से मकनातीस, अपनी कशिश से तलवार खींच के ले आ। वाह, इस अनोखे तोहफे के लिए शुक्रिया शाहे मकनातीस। शुक्रिया शाहे मकनातीस, अब हमें इजाजत दीजिए, हमें यहाँ से जल्द से जल्द जाना चाहिए। इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं? आप सब शाही मेहमान हैं। शाहे मकनातीस, ये सब एक मजबूरी की वजह से यहाँ रुक नहीं सकते, और मुझे भी वादे के मुताबिक ताज के बदले इन्हें एक राज बताना है, इसलिए इजाजत दीजिए। क्या मंजर था जिसमें कुछ गुलाम नजर आ रहे थे? तुमने ठीक समझा, वो गुलाम ही थे। मगर गुलामों के इस मंजर से शहजादी तस्वीर की रिहाई का क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है। ये मंजर जजीरा खयाबान का था। जजीरा खयाबान? हाँ, जजीरा खयाबान शहजादी तस्वीर को तिलिस्मी आईने की कैद से छुड़ाने के लिए तुम्हें जजीरा खयाबान में जाना होगा। इस जजीरे पर इंसानों को गुलाम बनाकर बेचा और खरीदा जाता है। जजीरा खयाबान में बेशुमार गुलाम हैं। इन गुलामों में से एक खामोश गुलाम को तुम्हें आजाद कराना है। मगर हमराज हरफी, ये खामोश गुलाम है कौन? कैसे पहचानेंगे हम उसे गुलामों की भीड़ में? खामोश गुलाम को पहचानना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो गुलाम तुम्हारी किसी बात का जवाब न दे, समझ लेना कि वही गुलाम खामोश गुलाम है जिसे आजाद कराते ही शहजादी तस्वीर आईने की कैद से आजाद हो जाएगी और तिलिस्मी आईना टूट जाएगा। मगर ये जजीरा खयाबान है कहाँ? जजीरा खयाबान का पता शहजादी तस्वीर इशारों की जबान से तुम्हें समझा देगी। बस दो लफ्जों का सहारा ले सकती है वो। कौन से लफ्ज? हाँ या ना, क्योंकि शहजादी तस्वीर इन लफ्जों के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकती। हमराज हरफी, शहजादी तस्वीर की रिहाई का पता बताकर तुमने हम पर बड़ा एहसान किया है। अगर तुम तिलिस्मी आईना तोड़ने का राज नहीं बताती तो शहजादी तस्वीर की रिहाई मुमकिन नहीं होती। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार तो मैं हूँ तुम सबकी। तुमने शाहे मकनातीस का ताज वापस लाकर जबले मकनातीस के बाशिंदों पर जो एहसान किया है उसका इनाम तुम्हें शाहे मकनातीस से मिल चुका है। मगर मैं भी तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। मैं ये राज तुम्हें ना बताऊं तो शायद जिंदगी भर तुम ये राज ना जान पाओगी। कैसा राज हमराज हरफी? इस राज का ताल्लुक तुम्हारी जात से है। मेरी जात? हैरत की बात तो ये है कि तुम्हारा ये राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है।
मेरा राज शहजादी तस्वीर के राज से जुड़ा हुआ है, मगर वो कैसे? इस सवाल का जवाब तुम्हें जजीरा खयाबान में मिल जाएगा। Thank you.